वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स ऑन डिमांड में। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल में किसी भी जगह का कोई भी फैक्ट लेकर नहीं आया हूँ, न ही मैं आज बताना भी चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आज एक बहुत ही दुखद घटना हो चुकी है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया है। तो आज का हमारा वीडियो उन्हीं के चरण कमलों में समर्पित है। आइए दोस्तों, सुनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लिखी हुई कुछ ऐसी पंक्तियाँ जो शायद हमारी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दे। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुमको लाज ना। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार हो गए यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीत झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमरीका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा, एक नहीं दो नहीं। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता, गीत नहीं पाता। इसी श्रृंखला में एक और कविता है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे ये क्रम भी सदा खुलता रहेगा। सत्य क्या है, होना या न होना, या दोनों ही सत्य है। ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, ये विश्वासघात की कल्पना को मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फाग, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंद जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। मौत से ठन गई, मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है, मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा नहीं था,
जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 3 पल भी नहीं। जिंदगी मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं। छापने वाले ने 2 का 3 कर दिया है। अगर 2 के बाद 1 पल और मिल गया तो मैं क्यों मरूंगा। मौत की उम्र क्या 3-2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए।